What's up, YouTube? How's everybody doing? My name is Monty. I'm Jay, guys, and welcome back to the channel. Guys, last vlog में आप लोगों ने देखा था, we showed you the mall, and आपने Jay की shopping already देखी ली. So this vlog, we decided to show you one shop in a mall जो कि हमने अपने last vlog में नहीं दिखाया था. क्योंकि vlog बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और हम इस shop की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, guys? क्योंकि वाकई में बड़ी special shop है और क्यों special है ये आपको दिखेगा अंदर जाके. So guys, before we take you inside, this is the name of the shop, Best Pro Shop. And this is the shop we are going to cover today. और best part पता है क्या है? This is inside the mall. You don't have to go anywhere else separately. एंट्रेंस है शॉप की एंड दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि इतने स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसकी लुक बहुत अलग सी है और सारा कैंपिंग से रिलेटेड ए टू जी आपको सारा सामान यहाँ पे मिलेगा. मतलब मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें होती है, पर यहाँ पे सब कुछ इतना ज़रूर पता है. वेलकम करेंगे पोलर बियर और उसके बाद साइड में एक इतना प्यारा सा फिश टैंक लगा हुआ है. It is so natural. So big. Hi, Pixie. Hi. कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, कोई मुझे भाव नहीं दे रहा है. हेलो 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 एक्सक्यूज मी. आपने ये सारी डिटेल्स देखी, ये इतना ज़्यादा प्यारा है ना. मतलब ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो इसको मैं कैसे बताऊँ. मतलब मैंने लाइफ में इतनी बड़ी जाइंट, इतनी वाइल्ड शॉप कभी नहीं देखी है और ये शॉप ऐसी है कि आपको एक बार लाइफ में पक्का देखनी चाहिए. ये बहुत ज़्यादा अच्छी है. गाइस लुक एट देम, दीज टू जाइंट गाइस, दीज आर कॉल्ड मूज. और कनाडा में सच्ची बताऊँ बहुत डेंजरस हैं ये. ठीक है, रोड्स पे कई बार हाईवे पे ना एक्सीडेंट्स एक्चुअली इनकी वजह से हो जाते हैं कि आपको ध्यान नहीं जाता और ये रोड पे आते हैं, यू नो, अंधेरे टाइम में. और एक्चुअली अगर आपकी गाड़ी इससे टकरा गई तो भाई डैमेज है, टोटल लॉस जाती है. ये फिर भी बच जाते हैं पर आपकी गाड़ी ख़त्म हो जाती है. मुझे पता नहीं था यहाँ पर होम डेकोर का भी सेक्शन है. गाइज ऐसा लग रहा है जैसे कोई लॉग हाउस होता है ना, लॉग हाउस को डेकोरेट किया हुआ है. सच्ची में मतलब यहाँ का कॉन्सेप्ट उठा के आप अपना घर इतना प्यारा डेकोरेट कर सकते हो ना, एक एक चीज़ में ना वाइल्ड वाली फील है. ये वाला लैम्प मुझे सबसे अच्छा लग रहा है. नीचे क्या बोलते हैं उसको, लैंटर्न है और ऊपर एक्चुअली इलेक्ट्रिक लैम्प है. ओह गॉड, आई विश आई हैड अ लॉग हाउस. सच्ची में मैं यहाँ से बहुत सारा सामान लेके लगा देती. गाइस देखो, छोटा सा नन्नू सा कास्ट आयरन का पैन, इसमें एक नन्ना सा एक अंडा बना लो नीचे कैंडल रख के. But must be heavy too. ये बहुत भारी है. बेबी कितने सारे रेंडियर्स है, ऐसे लग रहे हैं कि बस सेंटा क्लॉज नहीं है, बाकी उनके हिरन यही आ गए भाग के सारे. एक लाइन से लगे हुए हैं यार, ऐसे लग रहे हैं ऊपर पहाड़ी से उतर के आ गए सारे. सो गाइस लेट्स गो टू द मरीन सेक्शन नाउ. वी आर गोइंग टू शो यू सम रियली नाइस बोट्स. बेसिक बोट स्टार्टिंग में आपको मिलेगी, बहुत सिंपल है, बहुत प्लेन जेन है, फिर भी 13,000 प्लस डॉलर्स की है. ये बहुत ही बेसिक है, प्लेन जेन एक. कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे साथ, किसी भी दुकान में चले जाओ ना, जो सबसे महंगा प्रोडक्ट होगा ना वो वाला अपने आप पसंद आ जाता है बिना प्राइस देखे, और इसका प्राइस सबसे ज़्यादा है 95,000. या मतलब ये 1,00,000 से ऊपर की थी. अभी थोड़ा सेल वेल चल रहा है ना, तो इसलिए 95,000, 95,500 की है. दिस इज़ अ पीस ऐसा वाला, बट मुझे वाली पसंद है. देखो ये है ग्लिटरी और वो है पूरी मैनली वाली, पर वो सस्ती है. हाँ कितने की है? ओनली 84,000 डॉलर्स. टैक्स लगा के कितनी पहुंच जाएगी? 5% टैक्स लगेगा. ठीक है, तो पहुंच जाएगी 2,000-5,000 डॉलर और ऊपर. I don't know guys, for some reason, पर ये है I like this one. Sitting area भी ज़्यादा है इसमें. So guys, इतनी छोटी सी जगह में बहुत सारी बोट्स नहीं है. ऑफ कोर्स जगह कम है, पर जितनी भी बोट्स हैं सारी एक से एक बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत सुंदर है. अब ये काम करते हैं, अपस्टेयर्स चलते हैं, ऊपर क्या क्या सेक्शन है वो आपको दिखाते हैं. गाइस नीचे जो हमने फिश टैंक देखा था ना, वो यहाँ ऊपर खुला हुआ है. ठीक है, पूरा वाटरफॉल बना हुआ है जहाँ से पानी इनका रोटेट हो रहा है. और गाइस यही वो पॉइंट है जहाँ से ये सारी फिशेस को फीड करते हैं. मुझे तो लग रहा था अंदर कूद के फीड करते हैं.
मैं इस आदमी को नहीं जानती, मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ इस आदमी की। गाइस ये यहाँ का फुटवेयर सेक्शन है, यहाँ पे आपको हंटिंग शूज जितने भी होंगे सारे मिल जाएंगे, आपको जितने भी जरूरत पड़ सकते हैं ना, यू नो जंगल वाली चीज़ों से रिलेटेड सारे शूज मिलेंगे यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े शूज हैं यार, मेरा तो पैर ही नहीं उठेगा। कैंपिंग के लिए जो कूलर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना खाना पीना रखने के लिए, देखो कितने बड़े बड़े हैं, लाइक दे हैव एवरी साइज, और प्राइस भी उतने ही बड़े बड़े हैं। ये देखो छोटा वाला 350 से शुरू है एंड इट इज गोइंग ऑल द वे टू $600। भारी है? बहुत ही भारी है भाई। नहीं मतलब दोस्तों को बोला है, हाँ पति को नहीं बोला है। सो गाइस ये प्रोपेन वाला नहीं है, गैस से नहीं चलेगा, चारकोल वाला बारबेक्यू है, इसीलिए ये जंगल में यूज होता है। लुक इज सो डिफरेंट देन एन एक्चुअल रेगुलर बारबेक्यू। एंड गाइस लुक एट दिस बारबेक्यू। इसमें तो पूरी मैं आ जाऊंगी, पकाना देना। तो तुझे बारबेक्यू कर दे। नहीं अभी आ रही है फील, ये ऐसे वाले कपड़े पहन के आप जंगल में छुप जाओगे, किसी को दिखोगे भी नहीं, सबसे सेफ तरीका है वो। देखना वो तेरे को देख रहा है ना ऊपर से। हाय बेबी, शीशा कितना हॉट है। ये बेचने के लिए नहीं है, मेरा बस चले, मैं चुरा के ले रहा हूँ इसे यहाँ से। हाय यार ये शीशा घर में हो तो मजा आ जाए यार, वो भी लॉग हाउस जैसे घर में। सही में ये कितना खतरनाक है। गाइस ऐसे ही नहीं, हम लोग थोड़ा लॉग हाउस के लिए यू नो बोलते रहते हैं, क्रेजी है। दे आर हॉट यू नो, यहाँ पे कोई अगर आप इन पर्सन देख लो ना लॉग हाउस, उसकी एक फील ही मस्त वाली है। सही में थोड़ा सपोर्ट करो यार, कल को यूट्यूब चैनल चल जाएगा, हम भी लॉग हाउस लेंगे, सामने सामने आपके सामने बनवाएंगे यार, आपको बनाते हुए दिखाएंगे। सही में अभी हम लोग मेरे फेवरेट सेक्शन में, शूटिंग सेक्शन में, यहाँ पे गन्स मिलती हैं, बो एंड एरोज वगैरह मिलते हैं, और डिपेंड करते हैं आपको कैसी गन चाहिए, यू कैन फाइंड इट हेयर एंड गो फॉर हंटिंग। इतने बड़े आपको ये लॉकर्स, ये सेफ दिख रहे हैं ना, ये आपके पैसों के लिए नहीं भाई साहब, ये आपकी गन रखने के लिए। कितने का है? $3,000 का, सही पढ़ा ना मैंने? हाँ $3,000 का। लाइक फोन है 2 लाख रुपए के आसपास। क्या देख रही तुम? अपनी मोहब्बत। मैं सच बताऊँ, आई एम अ बिग 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 टाइम फैन ऑफ पिस्टल्स। हमारे घर में उल्टा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा चुम्बेश्वरी वाली मोहब्बत है पिस्टल्स के साथ, और मेरे पति को तो हाथ भी नहीं लगानी पिस्टल्स, मतलब आई जस्ट लव देम। मुझे जो अच्छी लगी है वो हैवी साला US आर्मी वाली। I guess you can tell who is more violent. My God, मतलब you know very tempting सी लगती है मुझे। Look at these. यहाँ पे सिर्फ खाली shell रखे हुए हैं कि if you want to fill it on your own, make your own bullet. और यहाँ पे actual bullet हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है interlock bullets. ठीक है, depending on whatever size of bullet your gun takes, there is actual bullets. सोचो खुले में मिल रहा है, how safe they feel that way. Same time it's scary, you know, selling bullets, you know, openly. Jay is so much obsessed with them कि ये यहाँ से सब कुछ खरीद के ले जाएगा, घर पे सजा ले, like she is so much crazy about them. इतना पसंद है इसको bullets, and me, no. Harmless. यहाँ से देखो इस शॉप की कितनी प्यारी फील है, इतना बड़ा शॉप है मॉल के अंदर, एंड ऐसा लगेगा कि आप मॉल में नहीं हो, यू आर समवेयर एल्स। मेरी एक्साइटमेंट दिख रही है आपको आफ्टर गोइंग टू द गन सेक्शन स्पेशली, बहुत खूबसूरत है। यू ऑलरेडी नाउ अंडरस्टैंड कि यू नो व्हाई वी डिसाइडेड टू डू इट सेपरेटली, बिकॉज इट एक्चुअली टेक्स सो मच टाइम टू एक्सप्लोर इटसेल्फ। ऐसे नहीं लगता आप लोगों को कि यार इसके मुंह के अंदर शब्द नहीं रुक रहे, ये अब बोलेगी। पेशेंस नहीं है मैं वेट कर लूं और फिर ये बोले। पर गाइस सीरियसली सच्ची में आपको मजा तो आया होगा देखने में यार, ये बड़ी ना बड़ी टची वाली शॉप है यार, बड़ी यूनिक वाली शॉप है। और मैं ये सोचती हूँ, इमेजिन करो इस शॉप को बनाने में कितना ज्यादा मेहनत, कितना टाइम लगा होगा, इतनी डिटेलिंग के साथ काम किया गया। एंड आई फील बैड फॉर द गाइस यू नो, स्पेशली कोविड आ गया, शॉप इज लिटरली एम्प्टी, नहीं तो हर टाइम यहाँ पे हर कोई मतलब चल ही रहा होता है। आई होप यू रियली लाइक्ड आवर वीडियो, यू नो लाइक द ये जो शॉप वाला है दिखाया था। हाँ, सो विल सी you in the next vlog, so please do subscribe our channel and like the video, share the video, baant bhi dena logo ke saath, ha to uska matlab share hi hota hai, acha ha sorry. So guys we'll see you in the next vlog. ye aise lag raha mujhe pe attack karega, लेकिन असली का लग रहा है ना पूरा। सही में तभी कह रही हूँ, आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहा है। ए, इधर आ, नहीं आ रहा, मना कर रहा है। हाय पार्टी।
हेलो लिटिल बर्डीज, हेलो लिटिल बर्डी। आई रादर टेक दीज गाइस होम, घर पे ले जाके मैं इनको सजाऊं रादर देन यू नो बाइंग अ बुलेट्स। वो मैं खरीद लूंगी। बेबी वो एरोप्लेन दिला दे, मैं पकड़ू उतारू उसे। हाँ उतार, उड़ा, हम ले चलते इसको उड़ा के कहीं पे। नहीं आ रहा।